हेलो फ्रेंड्स, मैं कविता जी, स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल द इंडियन एक्सप्लोरर में। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ये दो गाउन का रिव्यू। जैसे कि आप फिगर में अभी देख रहे हो, ये दोनों गाउन मैंने एक मंगाया है फ्लिपकार्ट से और ये है अमेजोन से। तो चलिए मैं इसका रिव्यू करती हूँ। मैंने सबसे पहले इसे अमेजोन पे देखा, मुझे काफी पसंद आया, खरीदने का सोचा। लेकिन मेरी आदत है कि कुछ भी खरीदने से पहले मैं उसे दो तीन वेबसाइट पे देख लेती हूँ कि कहाँ रिजनेबल प्राइस में मिल रहा है। तो मैंने देखा फ्लिपकार्ट में ये उस समय 1099 में अवेलेबल था, जो कि बीच में सेल के कारण 999 में अवेलेबल हो गया था। तो उस समय मुझे वो 1099 दिखा और अमेजोन पे मुझे सेम लहंगा, क्योंकि फिगर सेम दिया हुआ है, तो सेम लहंगा मुझे 1899 दिखा। तो समझ में नहीं आया कि कौन सा अच्छा है, कहाँ से लेना चाहिए, ये लेस प्राइस में अच्छा है या फिर ज्यादा प्राइस वाला अच्छा है। तो फिर मैंने दोनों ही मंगवा लिया और उस कंपेयर करके देखा। तो कंपेरिजन में मुझे क्या दिखा, मैं आपके साथ शेयर करूंगी इस वीडियो में। पहले मैं वन बाय वन दोनों लहंगे का लुक आपको दिखा देती हूँ कि ये देखने में कैसा है, और उसके बाद वीडियो में लास्ट तक बने रही, क्योंकि लास्ट में मैं आपको कंपेरिजन एंड कंक्लूजन बताऊंगी कि इन दोनों में से आपको कौन सा लेना चाहिए और कौन सा अच्छा है, क्या दोनों सेम है या डिफरेंट क्वालिटी है। क्योंकि फिगर में तो बिल्कुल सेम दिखाया गया है, बट ब्रांड अलग है। एक आपको सिद्धेश्वरी ब्रांड का है जो फ्लिपकार्ट पे है, और जो अमेजोन पे है उसका निवाह फैशन ब्रांड है। तो आपको डिफरेंट लगेगा या कैसा लगेगा मैं आपको लास्ट में बताऊंगी, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो चलिए अभी देर ना करते हुए हम वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये फ्लिपकार्ट वाला दिखा देती हूँ। फ्लिपकार्ट वाला मरून कलर का मैंने मंगवाया था, कलर मैंने डिफरेंट कर दिया। ये और भी कलर ऑप्शन में वहां अवेलेबल है, अगर आपको लेना हो तो आप दूसरे कलर में भी ले सकते हो। ये आप जैसे कि देख रहे हो ये मरून कलर में है, और इसका मटेरियल पॉली सिल्क है, वहां जो मेंशन करा गया है पॉली सिल्क मेंशन करा गया है। और ये इस तरह का गाउन है, और आप फिगर में देख सकते हो इसका स्लीव है ये, तो फिगर में ये डबल करके स्लीव रखा गया है, ये फुल स्लीव है पर आई थिंक फोल्ड कर दिया गया है। तो ये अगर इसको आप डबल कर दो इधर, ये दो साइड है, तो ये इस तरह लॉन्ग स्लीव हो जाएगा। पर जैसा फिगर में है आप देख सकते हो एज इट इज है कि नहीं, और यहाँ भी आप ये सामने देख सकते हो इस तरह से कढ़ाई करी हुई है। और ये मैं अभी फिगर भी सामने दे दूंगी, तो आप वहाँ फिगर में भी देख के सकते हो कि ये सेम टू सेम है या नहीं। ये इस तरह से कढ़ाई करी गई है, पूरा फ्लोर लेंथ तक है, तो कुछ इस तरह की है, पूरा नीचे इसके पीछे भी कढ़ाई करी गई है, पीछे भी पूरा राउंड में कढ़ाई करी गई है। ये तो सेमी स्टिच्ड है, पर मैं आपको बॉडी में इसको लगा के थोड़ा सा, या जब ये बिस्तर पे भी रख के आपको दोनों को कंपेयर करके बता दूंगी। और इसके अंदर कोई भी अस्तर या लाइनिंग नहीं दी गई है, ये सिर्फ एक ही है, इसके अंदर लाइनिंग अस्तर कुछ भी नहीं दी गई है। और पीछे बैक ये बिल्कुल प्लेन है, ये देख सकते हो बैक यहाँ बिल्कुल प्लेन है। स्लीव्स में ये है, ये डबल स्लीव्स है, इसको आप फोल्ड सीधा करोगे तो आपको ये सीधा करने पे दिखेगा, दोनों इसी में है। और नीचे कुछ लाइनिंग नहीं है, अस्तर नहीं है, प्लेन है। और आगे की आप कढ़ाई भी नजदीक से देख सकते हो, इसमें मैं फिगर में दे दूंगी, आप मैच करके देख लेना कि आप सामने से कढ़ाई कैसी है। और इसके साथ एक दुपट्टा दिया गया है, ये है दुपट्टा, इसका दुपट्टा भी बिल्कुल प्लेन है। और ये देख सकते हो बस इसमें ये जरी का काम है बीच में, तो ये कि मैंने देख लिया। फैशन ब्रांड का है, और ये आपको इस तरह से पैकेजिंग दोनों की सिंपल है, बस अंदर में एक सिंपल सा पॉलिथीन है जो कि निकालने से ही फट जाता है।
और इसके अंदर ये जॉर्जेट मटेरियल में है और ये देख सकते हो आप सामने से इसकी कढ़ाई स्टिच, इसमें काफी बारीकी से काम करा गया है, स्टोन वर्क भी है इसमें और इसका सामने से बारीकी से आप देख सकते हो। फिगर में आपको नजदीक से दे दूंगी तो जैसा आपको फिगर में भी दिख रहा होगा इसका काम बिल्कुल वैसा ही बारीक वाला है। और इसकी ये स्लीव्स है और आप फिगर में स्लीव्स को कंपेयर करके देख सकते हो, आपको सेम फिगर में दिखेगा ये दोनों स्लीव्स हैं इसके फुल, ये भी सेमी स्टिच है और इसके पीछे बैक पे ये डिजाइन करा हुआ है और नीचे से ये इसमें ये आप देख सकते हो फ्लोर लेंथ तक इसमें ये कढ़ाई करी गई है, नीचे से कुछ इस तरह का आप देख सकते हो है, काफी अच्छा पैटर्न लगता है इसका नीचे से इस तरह से। और ये जो कढ़ाई आप देख रहे हो वो इसके बैक में नहीं करी गई, इसका बैक बिल्कुल नीचे से प्लेन है, आप देख सकते हो नीचे से इसका बैक बिल्कुल प्लेन है और इसके पीछे बैक में है, बट इसकी कढ़ाई आप सामने से देख सकते हो काफी फिनिशिंग वाली है, बहुत ही अच्छा लुक देता है। और इसके अंदर क्योंकि ये जॉर्जेट मटेरियल है तो इसके अंदर ये अस्तर दिया गया है सैटन का, ये भी सेमी स्टिच्ड है। और इसके साथ साथ ये बॉटम भी दिया गया है, इसको आप चाहो तो प्लाजो या सलवार कुछ भी सिलवा सकते हो। तो ये 2 मीटर का बॉटम का फैब्रिक दिया गया है, इसके साथ प्लेन है साटन कपड़े का है शायद, ये बॉटम का फैब्रिक इसके साथ दिया गया है और साथ ही में ये दुपट्टा दिया गया है, दुपट्टा में सामने ये इस तरह से लैश है और बीच बीच में भी आप देख सकते हो स्टोन वर्क है, पास से मैं दिखा देती हूँ आपको, ये स्टोन वर्क है पूरे दुपट्टा में तरह से देख सकते हो, प्लेन नहीं है और साइज भी इसकी साइज दोनों दुपट्टा के सेम है, इसको भी आप साइड में ले सकते हो। तो इसके दुपट्टा में स्टोन है और साथ में एक बॉटम भी दिया गया से, क्योंकि मैंने दोनों जगह 2 प्राइस देखा था, मुझे पसंद आया था तो मैं एक लेना चाहती थी लेकिन देखना चाहती थी तो दोनों में से मुझे कौन सा पसंद है, क्योंकि 2 प्राइस है बट फिगर सेम है तो मैं कंफ्यूज थी कि कौन सा लूं और कौन सा अच्छा होगा। तो चलिए मैं आपको अभी यहाँ पे ऑनेस्ट रिव्यू दे रही हूँ। मेरे ख्याल से मैंने जो सेकेंड में 1899 में लिया वो मुझे अच्छा लगा और जो फर्स्ट में मैंने दिखाया उसको खोलते ही थोड़ा सा उसमें चीप लुक देता है, क्योंकि कहा जाता है कि जितना गुड़ उतना मीठा, तो उसका प्राइस भी कम है, 999 प्राइस है। तो अगर आप कम प्राइस में उस टाइप का लुक लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो, बट उसके अंदर बॉटम नहीं दिया गया आपको, उसका दुपट्टा भी प्लेन है और जो कढ़ाई है वो जैसा आपको फिगर में दिया है, फिगर दोनों का सेम लगाया गया है तो उस वैसा वो बिल्कुल नहीं है, उससे बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है। आप पास से देख सकते हो उसमें स्लीव्स भी डिफरेंट है और पूरा ही डिफरेंट है, लेकिन दूसरे में जैसा फिगर है इसी का फिगर है, वो इसी ड्रेस का वो फिगर है, जैसा वहां पे फिगर लगाया गया है सेम टू सेम मुझे दिखा वो दूसरा गाउन, तो मुझे दूसरा पसंद आया और उसको पहनने उसको सामने से देख के और ऐसा लग रहा था कि वो सेम है और एक अच्छा रॉयल लुक भी दे रहा था, ये क्लासी लग रहा था थोड़ा सा क्योंकि इसकी कढ़ाई में भी नीटनेस है। डिफरेंस ये इसके बैक में आपको नीचे जो आगे जो इसके आगे जो डिजाइन मिल रहा है नीचे वो आपको पीछे नहीं है, बट बॉटम पीट नेक पे है डिजाइन करा हुआ, ठीक ठाक लुक दे रहा है, अच्छा लुक दे रहा है। मैं तो अब
अमेजोन वाले के साथ जाऊंगी क्योंकि वो मुझे ज्यादा अच्छा लगा और वो जो फिगर दिया गया है वो उसी लहंगे का है, उसके साथ बॉटम भी दिया गया है। तो मिला जुला के मैं यही बोलूंगी कि दोनों ही ठीक है। अगर आप कम प्राइस पे सेम लुक लेना चाहते हो तो आप फ्लिपकार्ट वाले लहंगा को भी सिद्धेश्वरी ब्रांड का जो है उसे भी ले सकते हो, क्योंकि उसका प्राइस कम है, लुक थोड़ा सेम है, वो थोड़ा चीप लुक देता है बट प्राइस भी उसका लेस है। और अगर आप थोड़ा ऑल रॉयल और अच्छा लुक लेना चाहते हो तो आप दूसरे लहंगा के साथ जा सकते हो, अमेजोन वाले के साथ, जिसका प्राइस 1899 है, निवा ब्रांड का है ये। और ये आपको अगर मैं फिगर के बारे में बताऊं तो फर्स्ट वाले लहंगा के साथ फिगर चीट किया गया है, ये उसका फिगर नहीं है, ये सेकेंड वाले का है, निवा ब्रांड का जो है उसका फिगर इसमें लगा दिया गया है। तो यहाँ पे थोड़ी चीट हो जाती है, जैसे कि आप मुझे देख रहे हो, मैंने जो अभी ये पहना है, ये गाउन, ये मैंने फ्लिपकार्ट से मंगवाया था, इसका मैंने रिव्यू दे दिया, मैं अगर आप देखना चाहते हो तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। और अभी अमेजोन पे और हर एक ब्रांड पे, हर एक वेबसाइट पे ये मिल रहा है, इस तरह से आप जहां भी जाओगे मिल जाएगा, प्राइस भी कम, उस समय मुझे 1000 रुपीज में मिला था और अभी ये 500, 600, 700 डिफरेंट वेबसाइट पे आपको डिफरेंट इसके प्राइस मिल जाएंगे। बट मैं ठगी गई थी क्योंकि मुझे भी जो फिगर में था, फिगर में ऐसा दिख रहा था कि नीचे इसमें लाइनिंग लगी हुई है, ये फ्लेयर है, इसका घेर भी काफी दिख रहा था, बट सामने आया तो एक ऐसे ही सूट सा है, लंबा लॉन्ग, कुछ मुझे अच्छा नहीं, उतना मैं खुश नहीं हुई, 1000 रुपीज के हिसाब से मुझे ये उतना अच्छा नहीं लगा। बट रिटर्न नहीं किया कि चलो ठीक है पहन लिया जाएगा कभी कभी। तो मैंने इसका 6 महीने पहले करीब इसका रिव्यू दिया था, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप देख लोगे। मैं दोनों गाउन्स का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, अगर आपको लेना हो या कम से कम आप एक बार जाके चेक भी कर सकते हो कि क्या है। तो बस फिगर गलत देके और हमें यहाँ पे धोखाधड़ी हमारे साथ की जाती है। तो मैं हमेशा यही कहूंगी कि आप जब भी परचेज करो ऑनलाइन, जब भी आपको कुछ लेना हो तो ध्यान से देख के एक दो वेबसाइट पे देखो परख के और तभी लिया करो। और कुछ लोग रिव्यू में भी जाके आप देख सकते हो, क्योंकि कुछ लोग रिव्यू में डाल देते हैं उसका एग्जैक्ट फोटो क्लिक करके और रिव्यू में डाल देते हैं, वहां उस रिव्यू वाले फोटो से आप उसका फोटो मैच करके देखो जो इस वेबसाइट पे दिया हुआ है, कि सब कुछ क्या सेम है या डिफरेंट है, इससे आपको पता चल जाएगा। क्योंकि यहाँ भी अगर आप देखो फर्स्ट वाले लहंगा का अगर क्लिक देखो तो आपको जो उस वेबसाइट पे दिखाया जा रहा है उसे मैच नहीं किया जा कर रहा है, बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है, तो आप वहां ही देख सकते हो कि नहीं ये डिफरेंट है, जो दिखाया जा रहा है वो नहीं है। इसको पाय करने पे आप ठगे जा सकते हो, आप लेस प्राइस कर रहे हो, आप सोचो सेम थिंग मुझे कम प्राइस में मिल रहा है, ऐसा नहीं है। अगर आप कम पे कर रहे हो तो आपको कम प्राइस वाला ही मिल रहा है। तो जब भी आप ऑनलाइन खरीदारी करो इस तरह की तो देख के, और इस तरह की और किसी भी ड्रेस पे आपको डाउट हो तो आप मुझे लिंक डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भेज सकते हो, मैं कोशिश करूंगी उसे मंगा के और इस तरह से सामने से आपको दिखा के उसका एक ऑनेस्ट रिव्यू देने का। तो चलिए वीडियो समाप्त करते हैं, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत जय भारत।